तो मैंने जो निकाला था अपना मेरे पास जुपिटर गाड़ी है क्लासिक में, इसका क्लच खोला हूँ थोड़ा ढूंढ करके इधर लिया और क्लच खोलते हैं तो दिखाता है कितना कटा हुआ पूरी तरीके से। ये लाइनर कितना कटा हुआ है, काफ़ी कट गया है। पूरी वीडियो निकालने का था पहले ही, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं निकालूंगा, क्योंकि ज़्यादा कटा उसके लिए मतलब मैकेनिक भाई के लिए हो जाएगा, जो गांव साइड में मैकेनिक वो क्या है गाड़ियों को उतना तकलीफ होता है। इतना ज़्यादा कटा रहेगा तो होता क्या, जब अपन एक्सरे भी देते हैं तो उस टाइम पर गाड़ी में दर्द और दर्द करेगी, तो पूरा उसके अंदर पूरा कट गया होगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अभी अपन इसको नया डालेंगे, सामान को ले लिया हूँ, ये इसका पूरा पीटी डाल दिया, 1434 का MRP है, पूरा सेट है। इसके अंदर कितने का फर्क है, कितना हाइट में कितना ये है, हम इसको फिटिंग करते हैं। तो ये जब लाइनर इतना कटा है तो सीधी सी बात है ग्रंथि कटेगा, फिर कुछ गाड़ी वाले का भी कमी है इसके अंदर, इतना रगड़ने का मतलब नहीं था, तो लाइनर डालते थे कम से कम एक ड्रम बच जा रहा था, अभी ड्रम को भी डालना पड़ेगा मेरे, तो लाइनर को भी जल्दी खराब करेगा, तो ड्रम भी मैंने ले लिया हूँ जिनमें है एकदम ऐसा होना चाहिए। उसको फिटिंग करते हैं, बेल्ट को ऐसा बाहर निकालने का, इसके अंदर डालने का, और उसको हल्का सा ऐसा पकड़ के तो बाहर खींचने का, ऑटोमेटिक अंदर बैठ जाएगा, और इसे इसको ड्रम को भी फिटिंग करने का। एक इसके अंदर स्प्रिंग वाशर आता है, दूसरी गाड़ियों के अंदर प्लेन होता है, ये स्प्रिंग वाशर आता है, इसके अंदर ऐसा लगा के कैची पाना है उसको पकड़ने का, ऐसा अब ये कलेक्टर को लेने का। तो ये फाइनली फिटिंग हो गया, इसको स्टार्ट करते हैं। अभी ये गाड़ी में अपन रेस करेंगे ना, इतना एक्सेलरेटर मारते थे उछलता था, अभी ये उछलेगा नहीं क्योंकि फाइबर है उसके अंदर, तो पूरा कट गया था। अरे कटने के हिसाब से जैसा रेस मारेगा अपन तो धर धर करके उड़ते रहेगा, ये खास चीज को ध्यान रखना चाहिए, इतना कटा हुआ है, बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।